Assalamualaikum students, welcome back to my computer education class. Today's sixth class students, हम इस chapter का last lecture लेंगे. I hope आपको पिछले lectures आपने देखे हैं, समझे हैं और उनके notes भी बनाए हैं. आज हम इसके last पे आएंगे, ठीक है. हमने बहुत कुछ पढ़ा computer education की इस chapter number 1 में, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स अवर टॉपिक. हम अपने टॉपिक पे चले जाएंगे. व्हाट इज अ कंप्यूटर हमने पढ़ा था. डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, आपने जहन में रखना है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क होता है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेक्चर आप गौर से सुन लें. और फिर हमने एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स पढ़े थे. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ा था. फिर हमने डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को तफसीलन से पढ़ा था. उसके बाद इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कीबोर्ड आता है. इनपुट डिवाइस में जो चीज़ें आती हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, माउस के बारे में भी पढ़ा था, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है. हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और माइक्रोफोन, ये सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. फिर हम आगे थे सिस्टम यूनिट पे, कि सिस्टम यूनिट एक यूनिट गठजोड़ किस चीज़ का है कंप्यूटर, ठीक है, किस तरह से अटैचमेंट है, वो सारा हमने पढ़ा था कि मेन कंप्यूटर में या CPU में, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में, हम किस तरह से चीज़ों को अटैच करते हैं और वो एक सिस्टम यूनिट बन जाता है. सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मदरबोर्ड आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है और मेमोरी आ जाती है. मेमोरी में हमने पढ़ा था कि आपकी जो है कंप्यूटर में किस क्या क्या मेमोरी होती है, ये आपने फाइंड आउट करने का तरीका भी इसको पढ़ा था. ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने कंप्यूटर पे अपने डेस्कटॉप पे क्लिक्स करने हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड क्या है और मेमोरी साइज क्या है. ये देखें, आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है. इस तरह से हमने ये पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरह से ये इसके अंदर से स्पीड और मेमोरी साइज हमें पता चल गया था. आई होप कि आपने अपने कंप्यूटर्स पे चेक करके नोट डाउन कर लिया होगा. जिन्होंने नहीं किया वो फिर से नोट डाउन कर लें, ठीक है. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि स्टोर करने वाली डिवाइसेस, हम किस में संभाल के अपनी चीजें रखते हैं, किन डिवाइसेस में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कंप्यूटर देखिए ना, जो हम काम करते हैं वो हमें जाहिर है उसी वक्त तो सारा नहीं चाहिए होता ऑन द स्पॉट, बल्कि हमें उसको सेव करके रखना होता है कि बाद में हम उसको यूज कर सकें. तो स्टोरेज डिवाइसेस उसी काम आती हैं कि बाद में अगर हमने किसी को यूज करना है, कोई हमने जो है कंप्यूटर में जो पहले काम किया हुआ है उसको बाद में यूज करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस हमें यूज होती हैं वो होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस. पढ़ते हैं. इट इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डेटा इन स्ट्रक्चर्ड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होल्ड करती हैं, क्या क्या संभाल के रखती हैं, डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है. जब तक आप उस कंप्यूटर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर देते या उसका प्रोसेसर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या किसी तरह से आप उसको खत्म नहीं कर देते, तब तक आपके पास वो डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर कैपेसिटी टू स्टोर डेटा, ठीक है. स्टोर डेटा करने के लिए हमने जो है वो जो चीज़ें यूज करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, ठीक है. फ्लॉपी डिस्क यूज होती है, या आजकल में यूज नहीं होती फ्लॉपी डिस्क, पहले यूज होती थी अबाउट 5 to 10 ईयर्स अगो, ठीक है. हार्ड डिस्क यूज होती है, सीडीज एंड डीवीडीज यूज होती हैं, ये भी आपसे पहले यूज होती थी, आजकल में ये इतनी प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है. और USB फ्लैश मेमोरी यूज होती है, ये आप लोग भी यूज करते हैं, ठीक है. ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाती है फ्लॉपी डिस्क. आपने ऐसी डिस्क देखी जरूर होगी अपने पेरेंट्स के पास या अपने किसी जानने वाले के पास, ये इस तरह की जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन आपने इसको यूज शायद ही किया हो, ठीक है. तो ये आजकल के मॉडर्न एज में ये यूज नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉट कि ये एक जो है इतनी रिलायबल चीज नहीं है, एक इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो
थोड़ी सी मेमोरी के लिए, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होती है। तो चलें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज अ पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जिस चीज को ले जा सके, और इनएक्सपेंसिव है मतलब एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सीबल थिन मैग्नेट फिल्म। इसके अंदर मैग्नेट फिल्म होती है, ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं। दिस फिल्म इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस। ठीक है, एक प्लास्टिक केस, ये जो ग्रीन कलर का केस है ये प्लास्टिक केस इसका है। अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 inches वाइड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क 3.5 inches उसकी चौड़ाई होती है, वाइड चौड़ाई को कहते हैं। अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, एक इसके लिए अलहदा से ड्राइव भी यूज करते हैं ताकि फ्लॉपी डिस्क में से, इसमें से हम जो है इसका डेटा कॉपी कर सकें। ड्राइव भी ड्राइव अलहदा से कंप्यूटर में लगती है। नाउ डेज इट इज रेयर टू फाइंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत कम, रेयर मतलब बहुत कम, बहुत नापैद, बहुत रेयर केसेस में हम फ्लॉपी डिस्क देखते हैं किसी के घर में या कंप्यूटर में, अदरवाइज आजकल के मॉडर्न दौर में यूज नहीं होते। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट वाइडली यूज ड्यू टू देयर लो स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर बहुत कम डेटा रखने की गुंजाइश होती है फ्लॉपी डिस्क में, इसीलिए कैपेसिटी मतलब गुंजाइश। ठीक है, तो गुंजाइश इसीलिए इसमें कम होती है, इसीलिए हम इसको ज्यादा अब यूज नहीं करते आजकल के दौर में। ठीक है जी बच्चों, फ्लॉपी डिस्क के बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द परमानेंट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव। इट इज अ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। इट इज फिक्स इन साइड द सिस्टम यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर ये फिक्स्ड होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर जहां पर हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, मतलब हमेशा रहने वाली स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की, और जो है ये ड्यूरेबल है मतलब ज्यादा चलने वाली है, और इसके ऊपर भरोसा भी रिलायबल है, और इसके अलावा ये सिस्टम यूनिट में पहले से इंस्टॉल्ड होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड ब्लैटर्स। ठीक है, इसके अंदर हार्ड डिस्क में सेवरल डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैटर्स। ईच ब्लैटर स्टोर्स डाटा, कि हर प्लेटर स्टोर डाटा को स्टोर करता है। दे आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस। ठीक है, एक एयर टाइट केस, अब हवा या पानी या कोई भी चीज इसको लगेगी तो जाहिर है खराब होगी ये चीज, तो इसको एयर टाइट केस यानी कि ऐसा एक बॉक्स जिसके अंदर हवा ना जा सके उसके अंदर इसको बंद किया होता है। ठीक है, इसको डस्ट से भी बचाने के लिए। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। सो हार्ड डिस्क आजकल कॉमन है, फेमस भी है। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है। ठीक है जी, नाउ डेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, आजकल के जमाने में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी कि जो सिस्टम यूनिट के अंदर पहले से मौजूद नहीं होती, बिल्ट इन नहीं होती और एक्सटर्नल होती है, हम उसका स्विच पकड़ते हैं और कंप्यूटर के स्लॉट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली यूज होने वाली हार्ड डिस्क भी यूज होती हैं जिसके अंदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ 1 TB डाटा तक हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत फेमस सोर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास CD DVD। सीडी डीवीडी इज अ पोर्टेबल एंड कंपेरेटिवली लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइस देन अ हार्ड डिस्क। ठीक है, सीडी डीवीडी का आपने नाम सुना होगा कि सीडी और डीवीडी में हम जो है अपनी फिल्म्स, वीडियोस, पिक्चर्स जो है वो स्टोर करते थे, और आपके जो है वो पेरेंट्स वगैरह बताते होंगे कि सीडी डीवीडी जो है किस तरह से यूज होती थी। तो सीडी डीवीडी भी यूज होती है फॉर द स्टोरेज डिवाइस। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की होती है, फ्लैट होती है और राउंड होती है। A CD-DVD has a thin layer of material that reflects light easily. ठीक है, उसके अंदर light reflection easily होती है, इसीलिए ये हमेशा चमक रही होती है। ठीक है,
द सीडी डीवीडी ड्राइव्स यूज अ लेजर बीम टू रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा ऑन देम। ठीक है, उनके अंदर एक लेजर बीम होती है जिससे वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है रीड करती हैं। सीडी डीवीडी आर यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूज करने के काम आती है। ठीक है, आप पता है आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। डेटा स्टोर करने के काम आती है पिक्चर्स, मूवीज, म्यूजिक एंड वीडियो गेम्स। ये सारी चीजें जो है स्टोर करने के काम आती हैं सीडी और डीवीडी। उसके अलावा सीडी और डीवीडी में देखें डिफरेंस, देखें कि सीडी जो है वो राउंड होती है, कंपैक्ट डिस्क होती है। सीडी कहते हैं कंपैक्ट डिस्क को, और डीवीडी कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। आप लोग इन दोनों के डिफरेंसेस को नोट कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कि जो सीडी है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ साउंड और म्यूजिक थोड़ा सा कम होता है, और डीवीडी में हाई क्वालिटी होता है। ठीक है जी, अब आ जाती है आगे यूएसबी फ्लैश मेमोरी। आपने देखा होगा कि यूएसबी आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर डेटा होता है, और एक कंप्यूटर से या एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है वो डेटा जो है ट्रांसफर करने के लिए आप ये इसको यूज कर लेते हैं। यूएसबी फ्लैश मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा ट्रैवलर। ठीक है, ट्रैवल मीन्स सफर करना, तो ये डेटा को सफर करवाता है। ठीक है, कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक यूएसबी है और आपके पास डेटा है, आपने अपने किसी फ्रेंड को देना है जो कि आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री है, तो आप उसको ये जो है डेटा ट्रैवलर भिजवा देंगे या अपने साथ ले जाएंगे, तो उसको दे देंगे कि वो जब ये अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेगा तो आपके डेटा उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इट इज प्लग्ड इन द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज पोर्टेबल, इनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा भरोसे के काबिल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला और काफी देर चलने वाला पायदार स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी इज स्मॉल एंड लाइट वेट। ठीक है, बहुत हल्का और छोटा सा होता है, इसलिए इसको आराम से किसी भी जगह रख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी चिप, वी कैन रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा ऑन द फ्लैश मेमोरी। ठीक है, हम उसके अंदर लगा के उसका डेटा रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर आपने करना हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, तो आप फ्लैश मेमोरी या यूएसबी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है बच्चों, आपने जहन में रखना है कि स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं दोज आर स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस के बाद हम आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिससे हम रिजल्ट्स लेते हैं। आउटपुट का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, रिजल्ट। ठीक है, वंस द डेटा इज प्रोसेस It can be displayed in different ways. Devices that show generate output are called output devices. ठीक है, जो generate करती हैं output को, result को बनाती हैं, वो output devices कहलाती हैं। Output devices के examples में monitors, printers और speakers हैं। ये चंद examples हैं output devices के, जिनसे हमें computer पे दी गई information का result मिलता है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन। ठीक है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। अच्छा बच्चों, आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, कौन सी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आपने ज़हन नशीन करना है इसको। इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट्स। ठीक है, ये मेन डिवाइस है जिससे हम रिजल्ट देख सकते हैं। इज ऑल्सो नोन एज VDU, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहलाती है। रिमेंबर दैट द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द मोनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी होती है, जो कि हमें मोनिटर स्क्रीन पे रिजल्ट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। आपको जैसे मैंने बताया था कि सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, एज एन हैंड नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर आप इसको प्रिंटर से निकाल के हैंड में पकड़ें तो वो हार्ड कॉपी होगी। ठीक है, कागज़ पे लिखा हुआ अगर आप हैंड पे पकड़ेंगे तो वो हार्ड कॉपी होगी, और अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जस्ट देख रहे हैं, डेटा आपके सिर्फ स्क्रीन पे है, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। ये जहन में रखना है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फर्क है।
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनिटर्स, सम ऑफ देम आर शोन बिलो. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनिटर्स हैं. एक CRT मोनिटर है जो बहुत पुराना पिछले ज़माने का होता था, कैथोड रे ट्यूब मोनिटर मोटा सा और TV टाइप. फिर LCD मोनिटर आजकल के ज़माने में जो यूज़ होता है, और प्लाज्मा मोनिटर जो कि आजकल हम टैब्स और मोबाइल्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये एक एक करके प्रोग्रेसिव मोनिटर्स हैं. जैसे CRT मोनिटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन या ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स में रिजल्ट नहीं देता था. LCD मोनिटर उससे थोड़ा और बेहतर है, और प्लाज्मा मोनिटर सबसे बेहतर है जो कि सबसे बेहतर आउटपुट या रिजल्ट हमें स्क्रीन पे देता है. ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनिटर्स आपने याद रखना है कि CRT, LCD एंड प्लाज्मा. उसके बाद आ जाता है प्रिंटर. प्रिंटर से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंटर से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि ये प्रिंट आउट कर दो, और उसके ऊपर पेज के ऊपर या किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर वो निकल आता है उसका प्रिंट आउट. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटर. ये आउटपुट डिवाइस है. इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर. ठीक है, ये पेपर पे आपको आउटपुट देता है, और इसकी जो कॉपी आती है आपके पास वो हार्ड कॉपी होती है. द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर लेज़र. ठीक है, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है. जिस तरह 3 टाइप्स ऑफ मोनिटर्स पड़े थे, 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं यहाँ पे. डॉट मैट्रिक्स मोनिटर प्रिंटर सॉरी, और इंकजेट प्रिंटर. ठीक है, ये आप देखें अपने स्क्रीन्स पे, और लेज़र प्रिंटर. ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं. जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. उसके अंदर थोड़ी कम जो है वो क्वालिटी की हमें हार्ड कॉपीज मिलती थी, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में हमें काफ़ी अच्छा. और आजकल हम लेज़र प्रिंटर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी एज इट इज जिस तरह से हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी में जो है पिक्चर्स, उसी तरह हमें ये मिल जाता है. ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है स्पीकर. स्पीकर भी स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जाहिर है हम उससे सॉन्ग्स और म्यूजिक सुनते हैं. ठीक है, स्पीकर से तो ये भी आउटपुट डिवाइसेस है. हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें दिस सॉन्ग चाहिए या दिस म्यूजिक चाहिए, तो वो हमें आउटपुट किससे देता है, स्पीकर्स के थ्रू. दे अलाउ अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. सम कंप्यूटर्स हैव सम इंटरनल स्पीकर्स. ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप है उसके अंदर इंटरनल स्पीकर होता है, आपको स्पीकर ना भी अटैच करें उसमें से आवाज़ आती है. ठीक है, तो कुछ कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में इंटरनल स्पीकर्स होते हैं, और कुछ के साथ हमें अटैच करने पड़ते हैं ताकि हमें साउंड सुनाई दे. ये देखिए स्पीकर्स आपके सामने हैं. ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस. अब आज लास्ट वन हमारे पास आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. के कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक साथ जोड़ने, जैसे कि आप दो कंप्यूटर्स में एक ही काम करना चाहते हैं, तो वो उन दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन बातचीत. सबसे पहला आ जाता है मॉडेम. अ मॉडेम इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. इट सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडेम. एक मॉडेम किस लिए यूज होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए. ठीक है, अगर आपने एक ही वक्त में एक काम करना है दो कंप्यूटर्स पे, तो आप USB पहले इंसर्ट करेंगे फिर उसको कॉपी करेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो हो गई. ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे कि मॉडेम लेंगे, उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देंगे. ठीक है, और उसके ज़रिए आप सेंड एंड रिसीव डाटा कर सकते हैं. ये देखिए मॉडेम्स आपको नज़र आ रही हैं. ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडेम्स है. इंटरनल मॉडेम यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो होती है, और एक्सटर्नल मॉडेम यानी कि जो हम कंप्यूटर के साथ बाहर अटैच करते हैं. दिस इज अ मॉडेम. ठीक है बच्चों, बस लास्ट वन है हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. ये किस तरह कंप्यूटर वर्क करता है? आपको मैंने ये तफसीलन बता दिया कि कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है. किस तरह वर्क करता है ये देखें बच्चों. मैंने आपको बताया था इनपुट देते हैं आप. यू रीड अ क्वेश्चन. 3 × 6 क्या होता है? आप कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर जो है इसके मुकाबले क्या करता है? 3 × 6 वो भी जो है अपने डेटा के मुताबिक उसे कैलकुलेट करता है. आप भी अपने दिमाग में सोचते हैं, वो भी. आप क्या करते हैं प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? 3 × 6 = 18 आप सोचते हैं और उसका जवाब निकाल लेते हैं.
ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, इन नंबर्स पे वर्क करके जो उसके अंदर मशीनरी फिट होती है उसके थ्रू उसका रिजल्ट निकालता है। ठीक है, आपके अंदर दिमाग है और कंप्यूटर के अंदर CPU है, डिवाइसेस हैं। फिर आउटपुट कैसे आता है, आप क्वेश्चन का आंसर एक कॉपी या बुक या किसी पेज पर राइट डाउन कर देते हैं और कंप्यूटर उसका रिजल्ट शो हमें किस तरह करता है, मॉनिटर पे। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज कैसे होती है, आप अपने जो है बैग में या अपने दिमाग में ही 3 × 6 = 18 स्टोर कर सकते हैं या उसको लिख के कॉपी में किसी बैग में डाल दें। और कंप्यूटर क्या करता है, फ्लॉपी डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस, USB, ठीक है, CD, इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, हार्ड ड्राइव के वो कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और वो उसको फर्दर यूज़ के लिए रख लेता है। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है कि जो है कंप्यूटर आप ही की तरह काम करता है। ठीक है, आप ही इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। कंप्यूटर को सिर्फ जो मशीनरी दी हुई है उसके अंदर फिट की हुई है वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिजल्ट उसका दे देगा। और इट इज़ अ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके ब्रेन और कंप्यूटर में यही फ़र्क है कि ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन होता है और जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ह्यूमन ब्रेन ने खुद बनाई है। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, इसको सोचें, पढ़ें और याद रखें। ठीक है बच्चों, ओके देन, अल्लाह हाफिज़।